बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ राना साबिर अली, आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ पाकिस्तान। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिले। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज बात करेंगे नजायज़ काबजीन की कि आपने कोई ज़मीन ख़रीदी, आप उसकी असल मालिक हैं, आपके पास असल डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब आप मौके पे गए आपने जाके देखा कि वहाँ फिर कोई और कब्ज़ा करके बैठा है, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानी की बात है। तो ज़ाहिर है फिर आपने जाना है या तो थाना में जाएँगे या आप रेवन्यू डिपार्टमेंट में जाएँगे या जाके केस करेंगे दीवानी अदालत में। तो वो सारा करने से पहले एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास सबूत क्या है, आपके पास असल डॉक्यूमेंट तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट है, आपका कीवट नंबर क्या है, आपका फसल नंबर क्या है, आपका खतौनी नंबर क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास अगर होंगे तो फिर इसकी रेमेडी है। तो आप थाना में भी जा सकते हैं, आप तहसीलदार के पास भी जा सकते हैं, आप दीवानी मुकदमा भी कर सकते हैं, FIR भी करवा सकते हैं। फिर देखना पड़ेगा कि जो काबिज़ है क्या उसके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो सेम तो नहीं। अगर बिल्कुल वही उसके पास है, खतौनी नंबर भी वही है, खसरा नंबर भी वही है, कीवट नंबर भी वही है, तो इसका मतलब है कि उसने जालसाजी से बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए हैं। उसके लिए ज़ाहिर है आपको अदालत में या थाने में जाना पड़ेगा, तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा और आपको साबित करना पड़ेगा कि असल डॉक्यूमेंट या असल मालिक आप हैं। और बाद का ये होता है कि आपका खतौनी नंबर 100 है, उसका 101 है, आपका कीवट नंबर 100 है, उसका 101 है, और आपका खसरा नंबर 100 है, उसका खसरा नंबर 101 है, यानी मिलता जुलता है। तो उसने उसकी आड़ में आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है। तो फिर आप जाएंगे या तो थाना में जाएंगे या दीवानी मुकदमा करेंगे या तहसीलदार के पास जाएंगे या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाएंगे, जाके बताएंगे मेरे पास ही असल कागजात है, असल मालिक मैं हूँ और उसने जो कब्ज़ा किया हुआ है उसके डॉक्यूमेंट मुख्तलिफ हैं। तो आप तहसीलदार को जाके शिकायत कर सकते हैं कि ये मेरे असल डॉक्यूमेंट हैं, असल मालिक मैं हूँ, तो लिहाजा जो है मुझे वहाँ दखल दिया दिलाया जाए और अगर नहीं तो मेरे कम अज़ कम जो है डिमार्केशन की जाए कि मेरी ज़मीन कहाँ पे है। जो नजायज़ अगर काबज़ उसी ज़मीन पे है जो मेरी बनती है तो उसको वहाँ से कब्ज़ा छुड़ाया जाए, छुड़ा के मुझे दखल दिया जाए। उसके लिए तहसीलदार आपके हक में आपके डॉक्यूमेंट देख के तस्दीक करता है कि आपकी है, दखल के लिए वो पुलिस वालों को भी कह सकता है। फिर आप पुलिस में जाके बताएँगे कि ये मेरे हक में फ़ैसला है, ये मेरी ज़मीन है और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो फिर आप बजाय वहाँ जाके खुद कब्ज़ा करने की कोशिश करें और कोई झगड़ा हो जाए तो उससे आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो फिर आप पुलिस की मदद लेंगे, जब पुलिस आपके साथ जाएगी तो फिर जो नजायज़ काबज़ है वो आसानी से छोड़ देगा। अगर वहाँ पे पुलिस से मुकाबला करता है या वहाँ पर रजिस्ट करता है, पुलिस के सामने आपको वहाँ दाखिल से रोकता है, तो उस वक्त फिर उस पर एक और केस हो जाएगा। तो लिहाजा कानून को कभी हाथ में न लें। आपके पास अगर पूरे डॉक्यूमेंट हैं, आप असल मालिक हैं, तो फिर उसका हल यही है कि आप कानून को हाथ में ना लें, आप अदालत में जाएं, आप थाना में जाएं, आप तहसीलदार के पास जाएं, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाएं, तो इंशाल्लाह ताला अगर आप असल मालिक हैं तो आप ही को मिलेगा। हो सकता है आपको देर लग जाए, लेकिन बजाय झगड़ा करने के, फसाद करने के, आसान तरीका यही है कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ और एक सीधा रास्ता जो कानूनी रास्ता है वो अपनाएँ, तो अगर आप असल मालिक हैं इंशाल्लाह ताला वो आपको मिल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।